ओके तो आप में से बहुत सारे ऐसे अनमेरिड कपल होंगे जो कि इस फरवरी वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए ना ओयो जाना चाहते होंगे, लेकिन आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है ओयो कैसे जाए, वहाँ पे रूम बुक कैसे करें, क्या वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह का सीन भी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अनमेरिड कपल होते ना वो ओयो रूम सही से बुक कैसे करेंगे ताकि वहाँ पे कोई सीन वगैरह देखने को नहीं मिले। और आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम रूम बुक करके भी दिखाने वाले हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे कूपन कोड देंगे ना जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो जो 1000 रुपये आपको 300 से 400 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, जिससे कि आपको ज्यादा खर्च भी न लगे और आपको एक बढ़िया सा ओयो रूम मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं कि अनमेरिड कपल रूम कैसे बुक करते हैं। तो आप चाहे तो ये वीडियो पूरा देख लो ताकि आपको कोई आगे दिक्कत देखने को ना मिले। तो सिंपली से साइड में आपको एक वीडियो क्लिप चलता हुआ नजर आ रहा होगा जिसमें आप देख सकते हो सिंपली से मैंने प्ले स्टोर से ओयो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। तो आपको भी क्या करना है कि ओयो एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद ओपन करना, ओपन करने के बाद आप चाहे तो एक नया अकाउंट बना सकते हो। नया अकाउंट बनाने पे आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपको 500 रुपये ओयो मनी मिल जाए जो कि आप रूम बुक करने में चाहे तो यूज भी कर सकते हो उसका कुछ परसेंटेज। तो सिंपली से मैंने एक नया ओयो डाउनलोड किया एंड उसका करना है कि सिंपली से यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, वो आपको दे देना है। और देने के बाद सिंपली से यहाँ पे लॉग इन करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर डायल करना है। मोबाइल नंबर डायल करने के बाद आपको करना है कि सिंपली से कंटिन्यू को पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू को पे क्लिक करोगे ना देन आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। उसका करना है कि सिंपली से आपका जो कौन सा भी नेम है ना वो नेम डाल सकते हो। तो सिंपली से यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर करता हूँ एंड उसके नीचे मैं बोल रहा कि इन्वाइट कोड। तो अगर आप चाहो ना तो जो स्क्रीन पे इन्वाइट कोड दिख रहा है आप चाहे तो ये वाला डाल सकते हो, वरना ऐसे भी क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैंने एक इन्वाइट कोड यहाँ पे डाल दिया देन अप्लाई किया। अप्लाई करते हमारे सामने ये अकाउंट बन के आ चुका है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना है सिंपली से ऊपर में जो सर्च बॉक्स बनाना है उसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपको लोकेशन डालना है जहाँ पे आप रूम बुक करना चाहते हो। सिंपली से मैं यहाँ पे पटना टाइप करता हूँ एंड उसके बाद आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे रूम खोल के आ जाएगा। आपको कौन सा भी रूम पसंद आता है ना आपको पसंद कर लेना है। तो सिंपली से स्क्रॉल करके हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना भी रूम है ना उसका बजट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सही है। तो सिंपली से यहाँ पे जो ये वाला रूम है इसके ऊपर हम टैप करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर टैप करेंगे ना देन हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खोल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि रूम का जो है ना उसका पिक्चर्स देख सकते हो, लॉबी का देख सकते हो, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको ये रूम पसंद आता है ना तो इसके बाद करना क्या सिंपली से अब जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ ना जो कि अनमेरिड कपल है वो काफी ज्यादा ध्यान से देखना। मैं आपकी काम की बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से डेट है ना तो सिंपली से डेट के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप डेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डेट सेलेक्ट करना आप रूम कब बुक करना चाहते हो। तो जैसे 14 फरवरी को बुक करना है तो उसके ऊपर टैप कर। जैसे आप डेट सेलेक्ट करोगे ना वैसे यहाँ पर दो डेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद करना क्या सिंपली से अप्लाई के ऊपर क्लिक करना। जैसे अप्लाई करोगे ना आपका डेट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है एंड उसके बाद करना क्या सिंपली से नीचे में गेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर उसके साइड में रूम है, मतलब एक रूम है और बगल में गेस्ट, तो गेस्ट के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप गेस्ट के ऊपर क्लिक करो ना तो सिंपली से यहाँ पे एडल्ट है तो एडल्ट यहाँ पे दो कर देना। और जैसे आप दो एडल्ट कर दोगे ना इसके बाद होगा क्या सिंपली से रूम एक होगा और उस रूम में दो एडल्ट यहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। तो सिंपली से अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे ना देन ये हो चुका है। उस पर अभी भी हमारा प्रोसेस अभी बाकी है तो हम करते क्या सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे रूम टाइप दिखाया जाएगा कि हमारा जो रूम है वो क्लासिक रूम है एंड उस पर स्क्रॉल करोगे ना यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा चाहे तो आप वो भी देख सकते हो कि यहाँ पे एसी भी मिलेगा, वाईफाई भी मिलेगा, टीवी वगैरह मिलेगा, जितना भी यहाँ पे फैसिलिटीज आपको मिलने वाले हैं ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको एसी, टीवी फ्री, वाईफाई इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह मिलने वाला है। लेकिन जो कपल्स होते हैं उनको इन सारे चीजों से कोई मतलब नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे रिव्यूज वगैरह देख सकते हो, जो कि पहले से इस होटल में रह चुके हैं ना उन लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दे रखा है कि ये जो होटल है वो कैसा है एंड उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना और नीचे आने के बाद यहाँ पे बताया जाए कि लोकेशन ये जो होटल है ना वो किस लोकेशन पे। तो जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे बताया जाए कि ये होटल है कितने का। इसमें यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर कोई ढंग का कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे ना जो 1000 रुपये का रूम है आपको 300-400 रुपये में आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको यहाँ पे बुक अभी नहीं करना, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद
यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जिसको आप ध्यान से देखना होगा। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन बनाना कि कपल्स आर वेलकम, इसका मतलब है कि जो कपल है ना, चाहे वो अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, यहाँ पे जा सकते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चेक कर लेना, जैसे आप ये चेक कर लेते हो ना, आप ये लिखा है ना कि कपल्स आर वेलकम, उसी होटल में आप रूम बुक करना जहाँ पे ये देखने को नहीं मिलता है ना, उस होटल में आप रूम मत बुक करना। जैसे आपको ये चेक कर लेना, अगर आप ये चेक करके रूम बुक करते हो ना, तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। एंड उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कोई भी लोकल आईडी दे सकते हो, बस पैन कार्ड वो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता है। तो सिंपली से जैसे आप ये सब देख लोगे, उस पर करना है सिंपली से स्क्रॉल करके ऊपर आना है, और यहाँ पे सिंपली से व्यू मोर कूपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो एक कूपन पहले से यहाँ पे अप्लाई है, तो सिंपली से इसको हटा देना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा कूपन देखने को मिला, जिसमें कि 60% 70% तक ऑफ देखने को मिला ना, वो वाला कूपन आप यहाँ पे अप्लाई करना। जैसे वो वाला अप्लाई करोगे ना, एंड उसके बाद यहाँ का जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको करने का सिंपली से बुक के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप बुक के ऊपर क्लिक करोगे ना, तब सिंपली से यहाँ पे कुछ सर्च लेगा, एंड उसके बाद सिंपली से आपका जो रूम है आसानी से बुक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अनमैरिड कपल हो तो कोई सा भी रूम बुक कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ।